स्टेटमेंट लेके आपने डिसीजन लिया कि वो परेशान है या नहीं है। सोशल मीडिया पे तो हमें सीमा ठुमके लगाते हुए दिख रही है, खुश नजर आ रही है भाई, अपने बच्चों के साथ भी खुश नजर आ रही है, अपना जो एक्स हस्बैंड है सॉरी जो करंट हस्बैंड है उसके साथ भी खुश नजर आ रही है, और रोता हुआ तो हमें केवल हैदर ही। दोस्तों गुलाम हैदर को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें गुलाम हैदर अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और सीमा हैदर जो है वो अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर जो अभी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे कि जो सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में रहकर बैठी है, यानी कि इल्लीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में आकर अभी यहाँ पर बैठी, तकरीबन 8 से 9 महीना हो चुका है, लेकिन अभी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब आप जरा सोच के देखिए, जिस तरीके से सीमा हैदर हिंदुस्तान में आकर इल्लीगल तरीके से बैठी है, ऐसे तो कोई भी आकर हिंदुस्तान में बैठ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंडिया में हो रहा है ये भी बहुत गलत है, क्योंकि हमारे भारत की कोई भी महिला ऐसी महिला को सपोर्ट नहीं करती है जो इस तरीके से इल्लीगल आई है। यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि सीमा के कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठाया गया। भाई एक वहां से भी वीडियो आ रहा है, उसका पति रिक्वेस्ट कर रहा कि मेरी पत्नी भाग गई 4 बच्चों को लेके, और आपको केवल सीमा का चरित्र कैरेक्टर दिख रहा है कि उस पर अंगुली उठा रहे हैं लोग, आपको सब कुछ नहीं नजर आ रहा। भाई एक आदमी भी दुखी है, एक बाप भी दुखी है, एक पति भी दुखी है, उसका गवर्नमेंट अगर सीमा यहां से जाएगी उसे मार दिया जाएगा, सीमा के साथ गलत होगा। मतलब हर चीज में आपको सीमा नजर आ रही है। यहां तक कि एक मैडम मैं नहीं जानती उनको, मैंने उनका वीडियो देखा, वो ये कह रही थी भारत के लोग ये चाहते हैं चाहे सीमा को मारे पीटे बॉर्डर से बाहर कर देना चाहिए, इस तरीके की मानसिकता है लोगों का, ये कहना था मैडम का। क्यों नहीं कहेंगे भाई भारत के लोग क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि इसको बॉर्डर से बाहर करो, क्योंकि वो गलत तरीके से हमारे देश में आई है। कहना चाहिए भारत के लोगों को, यह हक है भारत के लोगों का कि उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। क्यों नहीं करेंगे भारत के लोग? क्योंकि हमारे देखिए अगर वो भारत के जेल में भी रहती है ना तो वो हमारा मुफ्त का खाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स हमारी जनता की जेब से जाता है। वहां पे हम लोग गवर्नमेंट का इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद वहां की जो जेल में कैदी है उनको खाना दिया जाता है। कि हमने कर्जा खाया है कि हम विदेशियों का पेट का भोजन जो अपने इनकम टैक्स से पूरा करें, हमारा गवर्नमेंट इन लोगों को खिलाने के लिए है। हमारे जेल में ये लोग रहे तो खाएंगे तो हमारे सरकारी फंड का पैसा ना, तो हमारी सरकार इतनी, हमारा देश इतना फालतू है कि विदेशियों को लाए और यहाँ इनकम टैक्स का जो पैसा आता है हम लोग पब्लिक अपनी जेबों से भरे, हम बिजली का बिल पे करें, हाउस टैक्स पे करें, सारी टैक्स पे करें, उसके बाद ये लोग विदेशों से आए और इनको हमारे जेलों में खिलाया जाए। क्यों खिलाएगा हमारा भारत देश? इनको सीधे पाकिस्तान ही जाना चाहिए, इनकी असली जगह वही है जहां से आए हुए हैं, इनको इनके देश में डिपोर्ट करना चाहिए। वहां की सरकार उनके साथ क्या करती है उनका अपना मसला है, हमें किसी के पर्सनल मैटर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग इस तरीके से कहते हैं, क्योंकि हमारा देश है। तो यहाँ पे देखिए हमारे काफी ऐसे मुजरिम है जो नहीं कर पाते, उनको खिलाना पड़ता है देश को, तो क्या विदेशियों को भी लाके यहाँ खिलाएंगे? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना कि सीमा पे जो संपैती दिखा रहे हैं कि भाई सीमा के लिए दर्द नहीं है किसी को, किस बात का दर्द भाई? यहाँ पे जो देखिए मैं बाकी ये पर्सनल चीजें पर बात नहीं करूंगी कि उसका किससे क्या मैटर था, कैसे आई भाग के, आज इन मुद्दों पर बात नहीं करूंगी। आज सिर्फ मैं इस मुद्दे पे बात करूंगी कि गलत है, गैर कानूनी है, दूसरे मुल्क में आके बसी है, जो पढ़े लिखे लोग आप इस तरीके से बात करते हो ना। मैं ये भी सुन रही थी कि सीमा को डिपोर्ट करते करते कई साल लग जाएंगे, हो सकता है कानून में लेट लपाई हो रही है। यहाँ पे मांग इसीलिए तो रखनी चाहिए थी पब्लिक को कि क्यों लेट हो रहा है, और ये मांग देखिए आम पब्लिक जनता सड़कों पर उतरे, ये क्या सही है? ये लिखित में भी दे सकते हैं दोस्तों, बहुत खास वीडियो है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। गवर्नमेंट से बात करके इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मामला हो गया, और देख रही हूँ हर मिनट में ये इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया इस वीडियो में एक एक पॉइंट जो है वो सच बताया गया है। सोशल मीडिया की तो ये बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक बाप परेशान है। अब मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने सीमा हैदर का स्टेटमेंट देखा है, जिनको तरस आया है कि सीमा वास्तव में लाचार है, तो क्या आप उस बाप से मिले, उस हैदर से मिले जो अपने बच्चों के लिए रो रहा है? तो फिर जब आप एक पक्ष से मिलके अपना डिसीजन रख दे रहे हो कि वो सही है वो गलत है, तो फिर क्यों नहीं उस बाप का भी स्टेटमेंट लेके आपने डिसीजन लिया कि वो परेशान है या नहीं है? सोशल मीडिया पे तो हमें सीमा ठुमके लगाते हुए दिख रही है,
खुश नजर आ रही है भाई, अपने बच्चों के साथ भी खुश नजर आ रही है, अपना जो एक्स हस्बैंड है सॉरी जो करंट हस्बैंड है उसके साथ भी खुश नजर आ रही है, और रोता हुआ तो हमें केवल हैदर ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हम हिंदुस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला कोई भी मामला नहीं है, यहाँ पे इंसानियत की बात है और एक समाज की बात है, क्योंकि सीमा गलत तरीके से आई हमारे भारत में घुस के बैठी है और यही से वो दिखा रही है अपने सारे जज्बे। जो लोग आप कह रहे हो महिला का अपमान, महिला का अपमान, तो आप उन महिलाओं को क्यों भूल जा रहे हो जिनके खुले आम सड़कों पर रेप हो गए हैं? निर्भया केस को कैसे भूल गए आप? दिल्ली में एक कांड हुआ था उस केस को कैसे भूल गए आप? क्या वो महिला का अपमान नहीं था? वो दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ उसके लिए आपके दिल में दर्द नहीं है? केवल दर्द के लिए आपकी सीमा हैदर है, वो सीमा हैदर है घुसपैठी है, पाकिस्तानी है, दूसरे मुल्क में हमारे मुल्क में आके बैठी है, हमारे लिए इतना ही मायने रखता है। जो लोग मेरे कमेंट में आके गालियां देते हैं, अगर तुम्हारे दम है तो मुझे केस करो, लीगल करो मेरे ऊपर, मैं कहती हूँ हर किसी से। तो एक मैटर और था बिहार में, वहां पे एक लॉयर मेरे पीछे पड़ गई थी, मैंने हाथ जोड़े थे, मैडम आप मुझे लीगल नोटिस भेजिए, मैं लड़ने को तैयार हूँ, मैं इस मुद्दे पे मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊंगी, मैं कानूनी लड़ाई करूंगी, लेकिन मुझे मुख की बदतमीजी की लड़ाई जवाब मत देना, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हम अपनी बात को रखने का हक रखते हैं। आपको क्या लगा अगर मैं अपनी बात रखती, मैं अपने एनजीओ में जाकर, वहां पे 40 महिलाएं हैं, अभी एक सेंटर पर मेरी सिलाई करी और टोटली मॉडर्न लेडीज। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। टोटल महिलाएं हैं, अगर मुझे आपसे फेस टू फेस लड़ाई करनी होती मैं उन महिलाओं का वीडियो बना के डालती, जरूरत पड़ेगी वो भी लाऊंगी मैं, क्योंकि टोटल महिलाएं टोटल सीमा हैदर के विरोध में है, और दूसरा सेंटर मेरा चल रहा वहां पे भी टोटल मॉमडन महिलाएं हैं, वो भी विरोध में है, लेकिन हम नहीं चाहते भाई इसको क्यों हाईलाइट करें हम, ये मैटर थोड़ा सा है कानूनी है, और मैं यही कहूंगी पाकिस्तान सरकार से भी, अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी कि इनको आप दो देश मिलकर दो कानूनी मुद्दा है और उसको उस तरीके से सुलझाएं। अब जो लोग कह रहे हैं भाई इसको हाथ पकड़ के क्यों नहीं बॉर्डर से बाहर फेंक दे रहे, ये आपसी लड़ाई झगड़ों से क्या है मामले सुलझते हैं? आसानी से गुपचुप तरीके से सीमा हैदर आई। अब कुछ लोग कह रहे हैं शरणार्थी उसे शरण दी जानी चाहिए, उस पे उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, ये इंडियन है हमारे कहने वाले कि सीमा हैदर के साथ गलत हुआ है। फायदा यहीं पे है कि आप दो मुल्कों की सरकारें मिलके इस मुद्दे को सुलझाओ, सीमा हैदर का जो मुद्दा है उसे खत्म करो, बहुत ज्यादा हो गया ऑलरेडी, हमारे देश में बहुत सारे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो नहीं अभी खुले हैं, तो ये विदेशी मुद्दे हमारे लिए एक नासूर की तरह हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, ऐसे इतना सपोर्ट अगर आप अपने देश की ना किसी गरीब बहन बेटी को करते जो लाचार होती है, लाचारी के कारण हमारे देश में कितनी महिलाएं दम तोड़ती है, और कितने अगर ये आवाज आप उन महिलाओं के लिए उठाते, उन बेटियों के लिए उठाते, तो शायद हमारे देश आज कई आगे विकसित देशों में होता। ये आवाज नहीं उठती अगर हमारे देश की बहन बेटी कुछ गलत कर देती ना, तो उसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाते।